शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं गौतम रोड़े। स्वागत करता हूं आपका जुर्म और जज्बात के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात में हुए एक जुर्म की, जहां आधी रात एक इंसान एक मेडिकल स्टोर को आग लगा देता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान हर किसी के लिए अच्छा हो। हर इंसान किसी के लिए अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा। तो आइए देखते हैं आज के केस में किस तरह हावी होकर जज्बात अंजाम देते हैं एक संगीन जुर्म को। आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या धंधा करूं और कहां करूं? शंकर, मेरा वो मतलब नहीं था, और तू बच्चों वाली बात तो कर मत। अरे ऑलरेडी मेरा एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, अब दूसरा मेडिकल स्टोर खोलने क्या मतलब है? किसका फायदा होगा? ना तेरा होगा ना मेरा होगा, समझ रहा है तू? देख, मेरी बात समझ। ये खाने पीने की चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत मार्जिन है। अरे तू कोई खाने पीने की दुकान खोल ले, कॉफी शॉप खोल ले। अभी देख इधर, शाम को लाइन लगती है कॉफी के लिए। हाँ, तू हार्डवेयर का बिजनेस कर ले, मैं तेरी मदद करूंगा ना। जब आपको सब पता है तो आप ही स्टार्ट कर लो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? शंकर, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। बिजनेस ईगो से नहीं होता है। और एक बात और, मेरा मेडिकल स्टोर होते हुए ना, तेरे मेडिकल स्टोर से कोई एक डाइपर तक नहीं खरीदेगा। तेरा धंधा डूबेगा ना तब तू समझेगा। ठीक है, तो फिर टेंशन क्या है? आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, पछताएगा तू। हाँ, ये लीजिए आप, ये आपकी शाम को खानी है, ये आप सुबह शाम लीजिएगा, और ये आप ब्रेकफास्ट से पहले लीजिए। वो क्या है ना, स्ट्रांग दवाई है, गैसेस होती है ना, उसके लिए 150 दे दीजिए। मधु, ये 50 देते नहीं है। सर्दी बुखार की गोली है? सर्दी बुखार की 20 रुपए दीजिए। ठीक है मधु, चलो। अच्छा, चेक करना स्टॉक में एंटीबायोटिक है क्या अपने पास। भाई नारियल तो फोड़। अरे हाँ, आपने बोला था कि आपने उसको समझाया है, इसके स्टोर का तो ओपनिंग भी हो गया। समझाया था ना, लेकिन समझा क्या? ये धंधा करने के लिए नहीं खोला इसने, हमारे पेट पे लात मारने के लिए खोला है। अरे बधाई हो यार, आखिर में मेडिकल खोल ही दिया तूने तो। हाँ भाई, आखिरकार मैंने मेरी खुद की मेडिकल स्टोर खोल ही ली। इसका मेडिकल स्टोर तो हमसे भी बड़ा है। अरे मधु, मेडिकल स्टोर बड़ा होने से धंधा थोड़ी ना बड़ा हो जाता है। हमारा कितना पुराना मेडिकल स्टोर है, अरे रेपुटेशन भी तो है हमारी। अरे ये खाली डाइपर बेचता रहेगा यहाँ बैठ के, धंधा नहीं करेगा, देख लेना तू। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लो आप भी लो। एक पेन किलर देना। हाँ देता हूँ। परेशान मत हो, मैं वॉशरूम में आता हूँ। दुकान पे रहना, कोई ग्राहक आए तो देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। Thank you.
कोई माउथ फ्रेशनर नहीं है क्या? नहीं, वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो कोई इम्पोर्टेड च्युइंगम तो होगा ही? नहीं, वो दो तीन दिन में आ जाएगा। अरे भाभी, ऐसे दुकान में माल नहीं होगा तो धंधा कैसे चलेगा? थोड़े दिनों में सब स्टॉक आ जाएगा। आप देखें कोई चॉकलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए। हाँ भाई सब, क्या क्या कर रहा है? मैं तो क्या कर रही है? अरे वो उनको एक्चुअली मना किया था ना। अरे वो सिर्फ च्युइंगम। अच्छा है साले में। हाँ दिवाकर, अभी जो भी साइड में माल वाल पड़ा है सब साइड में करके यहीं पर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ जाना, माल सुबह जल्दी आने वाला है, पूरा स्टॉक टैली करके तब उसको छोड़ना, समझ गए? ठीक है, चलो सो जाओ आराम से। हाँ चलो, गुड नाइट। स्टेशन चलोगे? हाँ भाई चलूंगा ना। बापरे, लगता है पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर जल गया है। एक नया मेडिकल भी खुला है यहाँ। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। किसी पे शक है आपको? नहीं सर, शक तो किसी पर नहीं है। जिस लड़के की जली हुई बॉडी मिली है वो रोज यहीं पर सोता था क्या? नहीं सर, हमेशा नहीं सोता था। कल कुछ माल आने वाला था तो मैंने ही बोला था उसको यहां रुकने के लिए। सर वो नहीं रुकता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, आग लगाने वाले का वीडियो उसमें जरूर कैप्चर हुआ होगा। ठीक है सर। हवालदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, एम्बुलेंस बुलाओ। मुझे भी इसने समझाने चला था। भैया एक पैरासिटामोल की गोली देना। हाँ देता हूं। कितना हुआ सर? 50 रुपए। थैंक यू। ठीक है।
बहुत दौड़ रहा है। मेडिकल स्टोर का न्यूज देखा? हाँ, सुबह पैसेंजर को लेके जा रहा था तो देखा मैंने। मेडिकल तो गया लेकिन वहाँ काम करने वाला लड़का जल के मर गया। कोई भी आस्था हो लेकिन मरता साला गरीब ही है, कोई मालिक क्यों नहीं मरता कभी। अरे चाय तो पी के जा। बनने का है क्या तेरे को? अरे दिवाकर भाई बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे मैं उधर ही जा रहा हूँ, बैठो बैठो। ठीक है। और भाभी की तबीयत कैसी है अभी? क्या बताऊँ, आधी कमाई तो डॉक्टर और दवाई में ही चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता लोगों की तकलीफ देखने के बाद ये डॉक्टर लोग पैसे कैसे मांग सकते हैं। पैसे नहीं लेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा भाई? तो इनकी तुलना भगवान से क्यों करते हैं पढ़े लिखे लोग? अरे मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर और दवाई के चक्कर में मैं एक चप्पल तक नहीं ले पाया हूँ पिछले 4 महीने से। मैं एक बात बोलूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ एक बार। मतलब और महंगा? वैसे तुम्हारी दुकान से सीधे दवाई नहीं ले सकते, मेडिकल वालों को भी तो जानकारी होती है ना कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, इतनी तो जानकारी होती है उन्हें। बिल्कुल होती है, हमारे मेडिकल में बहुत से लोग तो रवि भैया से पूछकर ही दवाई लेते हैं, सबको सूट भी करती है। आप ट्राई करके देखो, अच्छी दवाई देते हैं वो। अरे नहीं ये नहीं ले सकता मैं। क्या हुआ? अरे भाई डॉक्टरी तो नहीं पढ़ी मैंने लेकिन मेरे लिए पैसे से ज्यादा इंसानियत बड़ी है। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? साहब मेडिकल में कोई आदमी भी था क्या? हाँ बेचारा पूरा जल गया था, कुछ लड़कों ने मोबाइल में उसकी फोटो भी ली थी, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। अगर आप देख लेते ना तो पूरी रात नींद नहीं आती। पुलिस आई थी उसकी बॉडी को लेके गई पोस्टमार्टम के लिए। रवि आपने अभी तक चेंज नहीं किया? हाँ वो अभी करता हूँ। आपने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि आपको किसी पर शक नहीं है? मधु और क्या करता मैं, और किस किस का नाम लेता? ये आग मुझे बर्बाद करने के लिए लगाई गई थी या फिर दिवाकर को किसको पता ही है?